सर वेस्ट टू एनर्जी, पहले तो एक चीज क्लियर कर लें कि एनर्जी इज अ बाय प्रोडक्ट. असल में तो कचरा आपको अपनी एनवायरनमेंट के लिए उठाना है. अब उस कचरे का करना क्या है, पहले एनर्जी तो बाय प्रोडक्ट है ना. बिजली नहीं, उससे बिजली भी, उससे ब्रिक्स भी बनते हैं, घर बनते हैं, उससे बहुत सारी चीजें होती हैं. तो मैंने अभी एक पूरा एक प्रपोजल तैयार करवा लिया है एक चाइनीज कंपनी से भी और एक डच कंपनी से भी. डच का बहुत ज़्यादा बेहतर है. हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैं ऐलान नहीं कर रहा, ये कोई ऐलान नहीं है, ये टीवी पे ऐलान करके नहीं चला देना तुम, और तुमसे खास तौर पे. लेकिन मैं ये, अब मेरी एक कोशिश है कि जो केपीटी के इलाके हैं ना, फॉर एग्जांपल जो केमाड़ी पूरा और वो, वहाँ पे मैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उनको लगा के दिखाऊँ. वो हमारा अपना होगा ना, कचरा हम खुद उठा रहे हैं, हम खुद उठाएँ. तो वो मैं एक वो डच कंपनी के साथ काफ़ी आगे कर रहा हूँ. तो इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐलान नहीं कर रहा, व्हील्स आर इन मोशन, लेट्स पुट इट दिस वे. अब आपने चला दिया, मैं तो व्हील्स आर, मैं भी कह दूंगा व्हील्स आर इन मोशन. इसका मतलब है पहिया चल रहा है, इंशाल्लाह एक जगह वहाँ तक पहुँच जाएगा. बोलो यार सर, इसके अलावा सब पूछ सकते हैं. हाँ बोले, आप पूछ लें. अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैंने परसों एक ट्वीट कर दी थी, शायद आप लोगों के टीवी चैनल पे चली भी है. मैंने ट्वीट में ये कहा था कि मैं तो, मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने काम शुरू किया और इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बाजी मैं बात कर लूँ. मैंने ये इंशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है, मैं नमाज में दुआ करता हूँ, अल्लाह करे सिंध हुकूमत कामयाब हो जाए इस काम में, हमारे शहर का फ़ायदा होगा. ये मैं कोई, मैं बिल्कुल खुल के, मैंने ऑफिशियल ट्वीट में भी यही कहा था कि मेरी दुआ है, जहाँ तक मेरी ज़रूरत होगी, हमारी जो भी औकात है, जहाँ हम आ सकते हैं, हम हज़ार खड़े हैं वहाँ करने के लिए. लेकिन अब उन्होंने शुरू कर दिया है तो हमने काम ब्रेक, हमने अपना वैसे भी ब्रेक लगाया हुआ था क्योंकि हम पॉज करके रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि नालों के बाद अब हमने करना क्या. अब उन वो कर रहे और मेरे ख्याल में उनकी पूरी सपोर्ट हमें करनी चाहिए, पूरी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो कामयाब हो. जो भी मेयर साहब को, या पहले भी मैं सपोर्ट में ही आया था ना, मेरा काम तो नहीं था, या सीएम साहब को, या लोकल बॉडीज मिनिस्टर को, जिसको भी जो सपोर्ट चाहिए वो इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करना चाहिए ये काम. बल्कि मेरी तो ये दुआ भी है कि जैसे ही ये कराची एक दफ़ा कर लें साहब, एक दफ़ा कर लें, इसको कोई सस्टेनेबल प्लान बनाए. जैसे पूछा वेस्ट टू एनर्जी है या रिसाइकलिंग है, क्योंकि रोज़ कचरा जनरेट हो रहा है. और उसके बाद फिर ये हैदराबाद और मीरपुर खास और खैरपुर, जैकाबाद, ये सारे जगह पे, लाड़काना खास तौर पे, शिकारपुर, ये सब कचरा ही कचरा पड़ा हुआ, वहाँ भी इनको जाके ही करना चाहिए. वो भी सब सिंध का हिस्सा है जैसे कराची है. तो मैंने वो कहा भी है, आप हंस रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको सब जगह करना चाहिए. वहाँ तो मैं नहीं जा सकता करने, लेकिन वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है तो सारा साफ करना चाहिए. जहाँ तक आपने, आपका सवाल है कि जी हम क्या फिर आएंगे, इनको आज बोरियाँ मिल रही हैं, एफ डब्ल्यू ओ को पहले मिल गई थी. मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ और ट्वीट भी कर चुका हूँ. हम जहाँ साफ करके गए थे, ये सुने सर, जहाँ हम साफ करके गए थे, नाला साफ, पानी बह रहा था, सुबह हमने देखा कचरा नहीं है, पानी क्यों रुक गया. हमने जब पंदर से बंदे उतारे तो उस बोरी के अंदर पत्थर भी थे और रेती भी थी और सीमेंट भी थी, अब आई डोंट नो कौन डालता है, गद्दे भी थे, तकिए भी थे, रजाइयाँ भी थी, सब मिली हमें. मेरा कहने का मकसद है, देखें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ना करें. ये दुनिया अभी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत सारी जल्दी फैल जाती है. ये जो कैमरे की आँख है, इससे कुछ नहीं छुपता. तो मेरी दरख्वास्त है हमारे शहर के लिए, आप लोगों के लिए, कोई, मैंने जैसे पहले कहा इबादत समझ लें इसको, सियासत को, तो अच्छा हो जाएगा, सियासत ना करें. सर, दस दस
साढ़े नौ करोड़ रुपए तकरीबन जमा हुए थे जो मैंने जमा किए थे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए हबीब बैंक ने दिए थे, 2 करोड़ रुपए केई ने दिए थे, 1 करोड़ रुपए जुबली इंश्योरेंस ने दिए थे, 1 करोड़ रुपए कराची चेंबर ने दिए थे। आबाद का अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, आबाद ने बड़ा अच्छा वादा दिया था। नहीं और नहीं नहीं, नहीं सर ये कचरा। और 50 लाख रुपए एक चाइनीज़ कंपनी ने दिए थे, उन्होंने दिए 1 करोड़ रुपए। सर मैं क्या ऐलान किया, आप सुन तो लेना मेरी बात, 1 करोड़ रुपए दिए मैंने पहले कह दिया था। तो और बाकी कोई छोटे मोटे जो पैसे किसी ने बाहर से भेजे हो भेजो। मैं जी चंदा मांगने नहीं निकला था, जिसने हेल्प करनी थी वो करी। हबीब बैंक ने कहा कि हमारे बैंकों की ब्रांचों में पानी आ जाता है, तो अगर आप भी कर सकते हैं नाले साहब तो आप, उन्होंने हेल्प कर दी। वो मेरे अकाउंट में नहीं गए पैसे, पहले क्लियर हो जाएं आप। और मुझे पता है कि आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं 50 दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ। वो FWO के अकाउंट में गए हैं। तो पहले ये बोले कि फ़ौज ने पैसे चोरी किए और फ़ौज ने कचरा फेंका, ये बोलने तरह चलें। ये बोलें कि फ़ौज कचरा फेंक रही है रोड पर और फ़ौज ने पैसे खा लिए, अगर हिम्मत है तो बोले ना। सवाल नहीं, एक सेकेंड, ये आप फजूल के जो ये मैं ये सवाल होते ना कि जी वो भी एक लगे हुए थे TV के ऊपर, और पैसे का हिसाब कहाँ गया? वो आपको अकाउंट FWO का अकाउंट खुला है, जिसके अंदर KPT का भी मैनेजर साइन करता है, वो आपको अकाउंट हम पब्लिश कर देंगे। लेकिन वो अकाउंट अभी बंद नहीं हुआ ना, उसमें कोई भी पैसे और आ रहे हैं। 20 करोड़ रुपये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है प्लानिंग डिविजन को कि उस अकाउंट में डाले, अभी तक वो पैसे हमने नहीं लिए। हमने कहा रुक जाएँ, क्योंकि सिंध हुकूमत कर रही है, अगर वो नई ज़रूरत होगी तो हम नहीं लेंगे वो पैसे। तो प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरी बैठ के मीटिंग करके और उस अकाउंट में पैसे डाल रहा है, FWO का अकाउंट है। आगे इन्होंने पोर्ट्स ने भी कुछ अपनी अपनी कोई रेजोल्यूशन निकाल के रखी हुई, इनको भी मैंने कहा भी पैसे रुक जाए, नहीं चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो जब अगर वो हमें दोबारा काम में आना पड़ा, कहीं हेल्प करनी पड़ी, तो हम वो वी विल कैश दैट चेक। अभी तो हमने वो जितना था वो रोक दिया, और हमने जो काम किया उसका हिसाब किताब आपको हम इंशाल्लाह पब्लिश कर देंगे। और ये भी मैं कह दूं कि आज के बाद इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, बिकॉज ये ट्विस्ट करना चाहते हैं बातों को, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे आप। मैं अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ, उसी मकान में रहता हूँ पहले जहाँ रहता था। सो ये मेरे ऊपर ट्विस्ट ना करें चीज़ें। और मैंने अब मैं वो जो दो एंकर से, एक ने तो मुझे माफ़ी मांग ली, दूसरे को मैं आप समझे छोड़ूंगा, मैं उसके घर तक कोर्ट तक लेके जाऊंगा उसको, क्योंकि मेरे पास मेरी क्रेडिबिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये 2 लाख रुपए की मिलते हैं एक मिनिस्टर को तनख्वाह बनने की। तो ये जो ट्विस्ट करता है मीडिया बहुत ज़बरदस्त, मीडिया ने हमें कवरेज दी, मीडिया ने पूरी हेल्प की हमें आगाही कराने में, कराची को किस तरह उठाना है कचरे को। और मैं शुक्रिया करता गया, मेहरबान हूँ। आपका भी वो शहर है, उसी शहर में आपने रहना है सर जिस शहर में मैंने रहना है। मेरे घर में भी यहाँ DHA के अंदर पानी आ गया था, मेरे घर में भी पानी आया था, मैंने DHA भी तनकीद की है। मैं तो DHA का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ कि उनको भी देखना चाहिए। ये आप अभी चले जाएं यहाँ से 3 मिनट की ड्राइव में आपको आधा कराची के गटर का पानी CVU में जाते हुए नजर आएगा। आप मैकडोनल्ड से खाना खा के निकले, बाहर जाके उल्टी कर देंगे, इतना गंद है, क्योंकि वहां गटर का पानी बाहर जा रहा है। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, DHA इज रिस्पॉन्सिबल एंड दे नीड टू लुक एट इट एंड फिक्स इट। ये मरीन फिशीज की जो बात कर रहे हैं, मैं तो कराची में मछली नहीं खाता, गवादर से जाता हूं तो वहां खा लेता हूं। यहां तो हाल तबाह है इस मछली का, 4-5 हज़ार टन आप रोज कचरा फेंक रहे हैं समंदर में। मुझे कह रहे हैं मैं समंदर साफ करूँ, और बारिश होती है तो 15,000 टन आ जाता है दूध धुला के। सो ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं हम करेंगे। हमारा मुल्क तो है ना यार, हमारा काम नहीं, हमारे लोग तो हैं, हमारा ईमान तो है, हमें आके जवाब तो देना है। लेकिन ये बार बार ये सवाल पूछना कि जी 10 अरब रुपए कहाँ गए, और उन्होंने क्या लगाया दूसरे ने, पता नहीं किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैं फिर बड़ा ताकतवर हूँ, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन, इफ़ वॉट रऊफ कलासरा वो सेइंग इज द ट्रूथ। मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता था, अब आपने मुझे तपा दिया तो सुन भी लें। बहुत सारे मीडिया वालों ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन कुछ घटिया लोग भी हैं इसके अंदर, घटिया, जिसमें एक वो नाम भी है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया 2005 में, जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, मैंने दिलाया उसको ई गवर्नेंस का कॉन्ट्रैक्ट। मैं बड़ा ताकतवर हूँ, अगर मैंने उस वक्त दिलाया था,
मुल्तान मेट्रो का और लाहौर मेट्रो की ई गवर्नेंस जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटल सिक्योरिटी है, मैंने कितलवाया तो मैं बड़ा ताकतवर हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी मेरी सुनते थे। हैली बर्टन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिलवाया, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, डिक चेनी भी मेरी सुनता है, हाँ बड़ा मैं ज़बरदस्त ताकतवर आदमी हूँ। कि वर्ल्ड बैंक के अंदर डेटा सेंटर लगा हुआ है, मैंने बनवा के दिया, तो वर्ल्ड बैंक भी मेरी सुनता है। मैं हुकूमत में नहीं हूँ और ADB ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, ADB भी मेरी सुनता है। फिर आप लोगों को मुझसे डरना चाहिए अगर मैं इतना ताकतवर हूँ तो, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी डरना चाहिए, बाकी सबको डरना चाहिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट में। ये किस तरह की अहमकाना मंतक लेके और रोज ट्वीटें कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं ना को। जिस बात पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है, और अगर मैं माफी नहीं मांगी मैं माफ नहीं करूंगा, कि 13 साल की मेरी बेटी है और वो मुझसे घर आके पूछती है स्कूल से कि बाबा हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग। ये मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि आपने कोई गलती की है, ये मीडिया पे आपके ऊपर ये चल रहा है क्लिप्स व्हाट्सएप पे, कभी सोचा है आप लोगों ने? सो फॉर गॉड सेक, सो मैं अभी चुप हूं, चुप था आज तक, कुछ नहीं कह रहा था उसको मैं, जोकर को। पहले मेरी तारीफों में आर्टिकल लिखता था, हाँ बगैर सोचे समझे कागज लगा लगा के दिखा रहा है। मैंने कहा मुझे शो में बुलाओ, मेरे मुंह पे रखो, नहीं बताता, नहीं बुलाता। यू थिंक आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट? मेरे पास क्रेडिबिलिटी है, अगर मेरी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करोगे मुझे वजारत भी नहीं चाहिए। मेरा ईमान है और मेरी क्रेडिबिलिटी है, ये सब चीजें बेकार हैं। ये वजारत जरूरत, ये वजारत मुझे कोई फायदा नहीं दे रही है, मेरा नुकसान कर रही है, फाइनेंशियल नुकसान है मेरा। मेरा खांचा नहीं है कोई, जैसे आपने कहा, मैं खांचे बनाने नहीं आया, खांचे वालों को पकड़ने आया हूं, चाहे वो जहां भी हूं मैं एक्सपोज करूंगा, मैं खांचे बंद करने आया हूं। जो खांचे पोर्टों में थे, कभी आपने पूछा कि 50,000 की जमीन 50 करोड़ में कैसे बिक गई? वो खांचा नहीं था, हिम्मत थी कभी बाबर गौरी से सवाल पूछने की? ऐसे कभी हिम्मत थी किसी की बाबर गौरी से इस तरह खुल के सवाल पूछने की जैसे आप लोग करते हो? थी किसी की हिम्मत? तो फिर वो एक बोर्ड मेंबर को कहता था कल बोर्ड मीटिंग में नहीं आना। सुनो, एक बोर्ड मेंबर को कहा कि कल एक प्लॉट का अलॉटमेंट होनी है, तुम बोर्ड मीटिंग में नहीं आना, उसने अपोज करा था। उसको कहा तुम मुल्क से बाहर चला, तुम्हारी बेहतर है, वो बेचारा चला गया मुल्क छोड़ के बाहर। उस वक्त जबान नहीं खुलती थी, उस वक्त भी मैंने जबान खोली थी, मैं आज भी खोल रहा हूं। मैं तो दुआ करता हूं कि जब मौत आए तो शहादत किया है, इससे अच्छी क्या मौत है? जब आए तो शायद बीमार होकर कैंसर से मर जाऊं, उससे क्या फायदा? जिस दिन आनी है शहादत की आएगी। ये मेरा ईमान है, मेरी दुआ है ये। सो ये मेरे से आप ये ट्विस्ट करके सवाल, आप मुझसे कोई प्रोडक्टिव सवाल पूछें जिसके मैं जवाब दे चुका हूं? आपने वही सवाल पूछने, जी हिसाब होगा? नहीं देते जी, FWO से जाके मांगो हिसाब। आई विल ब्रिंग द जनरल हियर एंड नेक्स्ट टाइम यू इंटरव्यू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आस्क हिम कि सर ये FWO को 10 करोड़ रुपए मिले थे, इसका हिसाब आप देंगे? आस्क हिम दैट क्वेश्चन। आपको पता है कि पैसे किसके पास गए? अखबारों में आया, TV पे आया, आपके चैनल्स के ऊपर आया। किस तरह के उठा के आप लोग किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देते हैं? दिस इज नॉट ऑन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर।